हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी व्लॉग्स। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी कंटिन्यू चल रही होगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आज संडे का दिन है। मैं लेट ही सो करके उठी हूँ, धूप भी निकल चुकी है। आप लोगों ने देखा कि जो सनराइज है वो होने लग रहा है। और यहाँ पर कुछ पौधे रखे हुए हैं, तो सबसे पहले मैं इन पौधों में थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, फिर चलते हैं अंदर। थोड़ा सा घूम फिर ली हूँ और आप लोगों को टाइम दिखाती हूँ कि क्या टाइम हो रखा है। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अभी टाइम हुआ है 7:24 और यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ इंग्लिश लिटरेचर। मेरी बहुत से सब्सक्राइबर्स का मेरे पास कमेंट आ रखा था कि मैं जो इंग्लिश लिटरेचर है वो कहाँ से पढ़ रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ टाइम पहले जो इंग्लिश लिटरेचर का अचीवर्स अकेडमी निशा शर्मा मैम है वहाँ से एक कोर्स परचेज किया था स्पेसिफिक इंग्लिश का, जिसमें सिर्फ ओनली इंग्लिश लिटरेचर है फॉर ऑल पोस्ट। तो वहीं से मैं कर रही हूँ। मैंने कुछ क्लासेस अटेंड की थी लेकिन फिर मैं बाद में नहीं कर पाई थी, तो इसलिए अभी वहाँ से अटेंड कर रही हूँ मैं। फ्रेंड्स, अभी मैंने 2-3 दिन से पढ़ाई शुरू कर दी है, लिटरेचर में पढ़ने लग गई हूँ, क्योंकि DSSSB और HSSC में जो हमारा TJT इंग्लिश का एग्जाम है उसके अंदर भी लिटरेचर आने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मैंने 1 घंटे स्टडी की है, देन उसके बाद मैं अपने घर के काम करूँगी। आप लोग देख सकते हैं 8:30 और बेटे का, फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइम पास कम होता है क्योंकि ये गांव में रहा है, तो ये यहाँ पर क्या करता है कि यहाँ आकर के खड़ा हो जाता है, वो जो नीचे आने जाने वाले होते हैं उनको देख करके टाइम पास कर लेता है। यहाँ पर मेरी सब्जियाँ रखी हुई हैं, गर्मी होने लग गई है, मक्खी मच्छर भी हो गए हैं और ख़राब होने का भी डर रहता है, तो इसलिए मैं दुपट्टे को गीला करके इसके ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे पास फ्रिज नहीं है, तो मुझे अपना काम जो मेरे पास मटेरियल है उसी के अंदर चलाना है। खाना वाना हो गया है और किचन पूरी तरह से फैल चुकी है और काफ़ी टाइम हो गए, कोई सफाई भी नहीं की है, तो चलिए आज मैं फटाफट से सफाई भी कर देती हूँ। मैंने सारी जो स्लैब थी उसको साफ कर लिया है, साथ में घर में भी मैंने क्लीनिंग कर ली है, बस अब बर्तन बचे हुए हैं, तो अब मैं बर्तन को साफ कर देती हूँ फटाफट से, फिर आप लोगों को एक बार अपना जो घर है वो दिखाऊंगी और फिर हम उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, ना ही मैंने बेटे को नहलाया है। फ्रेंड्स, आप रुको मत, और कोई भी काम हो फ्रेंड, जब तक आप लोग शुरुआत नहीं करेंगे, चाहे मैं हूँ चाहे आप लोग हो, जब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे, सबसे पहले सक्सेस पाने का जो स्टेप है वो होता है शुरुआत करना। जब तक हम शुरुआत ही नहीं करेंगे तो हम अपने लक्ष्य के करीब बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाएंगे, तो सबसे पहले ज़रूरी होता है शुरुआत करना। तो मैंने तो वो शुरुआत कर दी है, आप लोगों ने भी कर दी होगी। किन किन लोगों ने शुरुआत कर दी है कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब आप लोग देख सकते हैं घर के सारे काम हो चुके हैं, जो कपड़े थे वो भी मैंने वॉश कर लिए हैं। यहाँ पर मेरे पास मशीन भी नहीं है तो हाथ से ही वॉश करने होते हैं, जिनको मैं डेली वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स जब इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर वॉश करना मुश्किल होगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा बच्चा, इसको जब भी फोन दिख जाए उसको उठा लेता है। बच्चों के साथ यही है कि जब से फोन रखा देखा और फट से उसको उठा लेंगे। और अब आप लोग देख लीजिए कि मेरा जो घर है वो बिल्कुल क्लीन हो चुका है और मैंने बेटे से फ़ोन भी छीन करके रख दिया है। अब मैं कोशिश करूँगी कि पहले मैं इसको सुला दूँ, उसके बाद ही मैं अपनी स्टडी करूँ, क्योंकि पहले मुझे इसका होमवर्क भी करवाना है और उसके बाद मुझे इसको सुलाना भी है। तो ये सब काम करने में आप लोग देख सकते हैं कि दोपहर के 2 बज चुके हैं, कुछ मैंने भी रेस्ट किया था। और ये जो नोटबुक है जो मैंने सीधी ओपन की थी, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो पहले इसके अंदर मैंने NCERT का मटेरियल बनाया हुआ था, लेकिन अगर इसको पीछे से खोलते हैं तो इसके अंदर मैंने वोकैब नोट करना स्टार्ट की थी, लेकिन फ्रेंड्स एग्ज़ाम इतनी जल्दी में हो गया कि वोकैब वाला पोर्शन तो हम दोबारा से रिवाइज कर ही नहीं पाई। तो अब हमारे पास टाइम है, किसी भी एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है, तो फ्रेंड्स यही टाइम होता है कि जो लेंदी चीज़ें होती हैं उनको हम इस टाइम में कर लें, क्योंकि जब एग्ज़ाम की डेट आ जाती है तो फिर ये चीज़ें हमारी छूट जाती हैं। तो आज से मैंने वोकैब भी पढ़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी टाइम है, किसी भी एग्ज़ाम की डेट अभी से अनाउंस नहीं हुई है, चाहे HSSC का हो या फिर DSSSB का हो, तो मेरे पास टाइम है, तो इसलिए मैं अपनी वोकैब को भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स लगभग सभी एग्ज़ाम में वोकैब से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और फिर वो वोकैब हमारी गलत हो जाती है, क्योंकि हम जब एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो जाती है उसके बाद वोकैब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो वोकैब तो अपने आप में इतनी बड़ी है कि हम कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए मैं कुछ वर्ड्स नोट कर रही हूँ,
तो ये वर्ड मैं अपना एक कलेक्शन बना लूँगी, इनको ना मैं अपने वीकली रिवाइज भी करूँगी और जब एग्ज़ाम आएगा तो इनसे अच्छे से इनसे रिविजन कर लूँगी, तो शायद एग्ज़ाम में मुझे कुछ हेल्प मिल जाए। और हाँ फ्रेंड्स, जो भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, आप कौन से एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, अपने स्टेट एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं या DSSSB को टारगेट कर रहे हैं या फिर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इंटरव्यू के लिए भी अगर आप लोगों के 115-120 मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कीजिएगा, ठीक है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैंने लगभग 30-40 मिनट स्टडी की थी, बेटा जग गया और फिर हम लोगों ने राइस बनाए हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अब दिन बड़े होने लग गए हैं तो दोपहर में भी बच्चे जब घर होते हैं तो कुछ ना कुछ चाहिए होता है। उसके बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई करने बैठूंगी। तो ये सब बनाने में खाने में मुझे लगभग 1 घंटा लग गया और अब मैं दोबारा से अपनी स्टडी करने आ गई हूँ। 3:47 हुए हैं, अब शाम तक मुझे कोई काम नहीं है, मैं आराम से अपनी स्टडी कर सकती हूँ। तो मैंने सिर्फ 9 words के ही सिनोम्स और एंटोनिम्स लिखे थे और उनको साथ साथ में मैं लर्न भी कर रही थी, लेकिन फिर मैंने और लिख उसके अंदर एड ऑन किए हैं और 15 words आज मैंने नए सीखे हैं और उन 15 words के एंटोनिम सिनोम्स से इस तरह से मैंने आज लगभग 90-100 के आसपास, 90-100 के आसपास मैंने जो वोकैब है उसको लर्न कर लिया है। और अब आप लोग देख सकते हैं ये हरियाणा जिक्की की बुक है मेरे पास, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, छोटी सी बुक है, पतली सी, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे दे रखे हैं। एग्ज़ाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं तो मैं पहले इस बुक से कुछ पोर्शन हरियाणा जिक्के का कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स स्टेट के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं तो स्टेट तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, तो इसलिए मैं उस एग्ज़ाम को भी नहीं छोड़ सकती। सॉरी। कुछ देर हरियाणा जी के कंप्लीट करने के बाद मैंने लूशेंट की जो जनरल नॉलेज की जो मेरे पास बुक है, जो बिल्कुल फटी पुरानी हालत में है, उसी से मैं अपनी जनरल नॉलेज पढ़ रही हूँ, तो उसको मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और आप फ्रेंड्स, अगर आप लोग जो लूशेंट जब आप पढ़ते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, तो फ़ोन में ना एक फ्री ऐप होता है, एक दिन मैं आपको शो भी कर दूँगी, उससे ना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लूशेंट जो ऐप डालेंगे तो उससे आपके पास एक ऐप आ जाएगी और उसके अंदर जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप जो क्वेश्चन पढ़ेंगे बुक में, जो डिस्क्रिप्टिव में पढ़ेंगे और बाद में फिर आप उनको क्वेश्चन फॉर्मेट में सोल्व कर लेंगे, तो आपको वो चीज़ें लर्न रह जाएंगी। मेरा बेटा इधर उधर ही मेरे आसपास में ही खेलता रहता है और मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ, कुछ देर के लिए नीचे भी खेलना चले जाता है तो तब भी मुझे टाइम मिल जाता है, मैं तब भी अपनी स्टडी कर लेती हूँ। तो इस तरह से मॉर्निंग में तो मेरी कोई खास स्टडी नहीं हो पाई थी, लेकिन हाँ फ्रेंड्स, शाम तक मैंने अपनी 4.5 घंटे की जो स्टडी थी उसको मैंने आराम से कम्प्लीट कर दिया था। और अब नाइट को कुछ जो टाइम मिलेगा उसमें मैं अपने इंटरव्यू के वगैरह के लिए कुछ देखती हूँ, कुछ वीडियो सुनती हूँ, जो मॉक इंटरव्यू हैं उनको देखती हूँ। अगर भगवान ने चाहा इंटरव्यू के लिए नंबर आएगा तो उसमें आगे प्रिपरेशन कर लेंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, और जो एग्ज़ाम बचे हुए हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं। तो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।